तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेट एंड टाइम सेटिंग्स के बारे में। तो गाइस, अपने फ़ोन के अंदर आप डेट एंड टाइम की सेटिंग्स कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करने की मत भूलिएगा। सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। तो चलिए गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आप अपने फोन के अंदर अगर डेट एंड टाइम चेंज करना चाहते हो तो सेटिंग में आपको जाना है। सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर एडिशनल सेटिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डेट एंड टाइम का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेट टाइम ऑटोमेटिकली का, तो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली टाइम भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है अपने यहाँ से तो आप यहाँ से आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं इस टाइप से, और यहाँ से आप टाइम भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम हम कैसे चेंज कर सकते हैं और मैनुअली हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद गाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको टाइम फॉर्मेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 12 फॉर्मेट वाला है, यहाँ पे गाइस आपका 12 घंटे वाला भी है और 24 घंटे वाला भी है, ठीक है। तो जैसे आपको फॉर्मेट ठीक लगे आप वो चूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।